कैमरा कॉन्शियस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है इंडिया का। मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो यहाँ पे मेरे दो अजीज लोग हैं फैमिली के, ये है मेरी प्यारी सी भाभी। हेलो। इनका नाम है शिल्पा, बट हमें शिप्स बुलाते हैं, हमें प्यार से जहाज। और ये मेरा छोटा भाई है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये IIT हैदराबाद में है तो पढ़ाई कर रहा है। ये मुझसे मिलने आया हुआ था, कल चला जाएगा, तो मैंने सोचा आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ एक बार इसके साथ। तो पता नहीं अब इसके साथ दोबारा मुलाकात आएगा ना अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर। तो मुझे पता नहीं था कि दोबारा मुलाकात वैसे होगी कब होगी, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग में आपको दिखाती हूँ। और जो हमारे फैमिली का सबसे प्यारा छोटा सा चार्म है, जिसकी वजह से मैं सच्ची में यहाँ आई हूँ जिससे मिलने, वो ये है। बाबू हेलो बोल दो। ये मेरे प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी जान, इसका नाम है अद्वित, हम इसे आदू बुलाते हैं। बेटा इधर आओ, बुआ के साथ आओ। बेटा बुआ के साथ आओ, हेलो बोल दो। हेलो आदू, हेलो बोलो। हेलो बोल दो बेटा। हाय। तो ये मेरा भतीजा है, और अभी मैं आपको अपने फैमिली के और मेंबर से मिलाती हूँ। इसको तो आप जानते ही हैं, हाय बोल दो गोविंद। ये बबल गन चलाने में बिजी हो रखा है। और ये है मेरे डैडी, इनको भी आप जानते ही हो, पुराने व्लॉग्स में आपने देखा ही है। मम्मी आज नहीं आई है हमारे साथ, हम कहीं आए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हेलो। और ये है मेरा भाई, आप देख के बताइएगा मेरे दोनों भाइयों में से। आशु इधर आओ। दोनों भाइयों में से किससे शक्ल मिलती है? ये तो देखिए, हम तीनों बहन भाई हैं। हाय। तो आज हम लोग आए हुए हैं अपने आश्रम, हमारे गुरुजी हैं यहाँ पर, ये अलीपुर में है, गुड़गांव के पास पड़ता है, तो वही दर्शन करने आए हुए थे। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, शायद महाराज जी बिजी हैं, तो अभी हम लोग दर्शन करेंगे। और मैं आपको अपना पूरा आउटफिट भी दिखा देती हूँ एक बार। ये बहुत बड़ा आश्रम है, देखिए अभी हम लोगों ने पूजा वगैरह कर ली है। और ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, ये अरावली हिल्स हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बाहर ले जाके दिखाती हूँ, कितना सुंदर व्यू आपको मिलेगा यहाँ से। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत सुकून मिलता है इस जगह पर आकर। हम लोग अक्सर आया करते थे शादी से पहले, और अब जब भी मैं इंडिया आती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे ज़रूर यहाँ पर लेकर आते हैं। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। और गोविंद को ट्रैक्टर देखने का बहुत शौक है, क्योंकि ये सब कुछ वो रायम्स में देखता है और ये सब चीज़ें US में देखने नहीं मिलती, तो इसीलिए उसको और ज़्यादा क्रेज़ है। तो वहाँ पे एक ट्रैक्टर भी खड़ा था, तो भैया ने बोला कि चलो उसे एक बार ट्रैक्टर पे ऊपर बिठा देता हूँ, तो उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। और बस थोड़ा सा मस्ती वगैरह करने के बाद हमारे गुरुजी जो हैं वो फ्री हो गए थे, तो अब हम उनके पास आ गए हैं, थोड़ी सी देर उनसे बातें करेंगे, आशीर्वाद वगैरह लेंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो बस आश्रम के दर्शन अभी हमारे हो चुके हैं, और अब हम जाने वाले हैं अपनी भाभी के मायके। खूब सारा खाएंगे पिएंगे और पैसे भी मिलेंगे। उसी के लिए तो जा रहे हैं। पैसे भी लूट के लाएंगे, और हम तो खाली लिफाफे भी लाए, उन्हें फिल करा के लेके जाएंगे, भर के लाएंगे। और ये देखिए आश्रम से निकलते ही कितनी सुंदर रोड है, ऐसा लग रहा था जंगल में चल रहे हैं। और ये पूरा गांव का इलाका है, छोटे छोटे घर भी बने हुए थे, बट जब मैं शूट कर रही थी तो मुझे आसपास कोई घर नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट ये पूरा गांव का इलाका है। और बस अभी हम लोग भाभी के घर भी पहुँच चुके हैं। मौसा जी आप भी नमस्ते कर दीजिए मेरे कैमरे को। हाय। हाय। हाय।
और ये देखिए हमारी खातिरदारी के लिए कितने सारे यमी यमी पकवान बने थे। आजकल मेरी बहुत मौज चल रही है, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है और ख़ुद को बनाने नहीं पड़ता और कोई खिला दे इतना यमी यमी फूड तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये देखिए खातिरदारी के लिए ये सब बनाया गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बस अभी हम थोड़ी देर पहले मेरी भाभी के यहाँ से आए। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने बहुत मस्ती की और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और खूब सारा खाना बना रखा था भाभी की भाभी ने और दीदी ने, तो वो हमने एंजॉय किया। और एज़ यूजुअल जब हम लोग यहाँ आते हैं सब लोग खूब सारे लिफाफे हमें देते हैं तो वो सब लिए और अभी हम लोग वापस घर आए। तो मैंने सोचा मेरी फैमिली की सबसे अज़ीज़ जो मेरे दिल के करीब हैं वो रह गई हैं आप लोगों से मिलवाना, मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। काफ़ी लोग आप इन्हें जानते हैं मेरे पिछले साल के ब्लॉग्स के थ्रू। ये मेरी मम्मी है। मम्मी बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आप सभी मेरी बेटी की वीडियो देखते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, उसको खूब प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी आपके सारे कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप उसको इतना प्यार देते रहते हो। आप सभी लोग बोलते हो कि मुझे कितने सारे काम आते हैं, मैंने खाना कहाँ से बनाना सीखा, मुझे काफ़ी सारे काम आते हैं, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो कुछ मेरे बारे में जानते हैं मम्मी से कि मैं शादी से पहले कैसी थी। मम्मी मैं कैसी थी बताओ सबको, रियल स्टोरी बताओ। शादी मैं बिल्कुल रियल बता रही हूँ, शादी से पहले से कुछ भी काम नहीं आता था, सिर्फ अपना पढ़ना, अपने दोस्तों से बातें करना, मोबाइल देखना, सोना, अपने मूवी वगैरह देखना, यही से आता था। जब इसका रिश्ता किया तो मुझे बड़ी टेंशन थी कि कैसे ये काम करेगी, कैसे घर बसाएगी अपना। फिर डरते डरते इसकी शादी भी कर दी। शादी करने के बाद फिर मेरे दामाद जी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता, वो ऑलराउंडर है, तो दामाद जी के साथ बस ये था, ये सोच के खुश थी कि चलो दामाद जी को आता है तो बेटी भी अपना सीख ही जाएगी कुछ ना कुछ, दोनों मिलके अपना पेट भर लेंगे। फिर वहाँ जाके इसने थोड़ा थोड़ा काम किया, सीखा, फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर बेटा हुआ, बेटे की भी बहुत अच्छी से इसने केयर की। फिर मैं पिछले साल गई वहाँ पे, मैंने जाके जब इसका घर देखा, बिल्कुल वेल मैनेज था इसका घर, बड़ा अच्छा लगा मेरे को घर देख के। मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती थी, मैं तो सारे दिन अपने नाती को खिलाती रहती थी, लेकिन जब मैं सो के उठती तभी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देती थी बेटी। सभी के लिए, सभी के पास ऐसी बेटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सब कुछ मैं कहती हूँ ना टाइम सिखा देता है। ऑब्वियसली जब वहाँ गए एकदम मेड नहीं थी, कुछ नहीं था, तो धीरे धीरे काम करना सीखा। अपने घर पे तो मैंने कभी एक ग्लास तक नहीं मांजा था, मेरी मम्मी कभी भी काम नहीं कराती थी, कभी भी मैंने मम्मी की यहाँ पे हेल्प नहीं करी, बस मम्मी काम करती रहती थी, मैं बैठी रहती थी, पढ़ लेती थी अपना, और जब पढ़ के थक जाती थी तो टीवी देख लेती थी, सारा दिन बस ऐसे ही करती रहती थी। कभी ये नहीं हुआ कि मम्मी को दो रोटी गरम गरम सेक के खिलाई हो। बट यस, माँ की हर एक सिखाई बात शादी के बाद बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और एक एक चीज़ जो मम्मी ने सिखाई थी बचपन में, अब वो जब हम रिकॉल करते हैं टाइम टू टाइम तो मम्मी की बहुत याद आती है। और इतनी दूर से जब आते हो तो मम्मी का इतना लाड़ प्यार मिलता है। मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है कि मम्मी क्या क्या बनाती है, भाभी क्या क्या बनाती है खाने पीने के लिए, सारा दिन मेरा मुंह चलता ही रहता है। एंड आई एम श्योर मैं यहाँ से 2-3 किलो तो वज़न बढ़ा के जाने ही वाली हूँ, बट मैं टेंशन नहीं कर रही, मैं जो ये लोग बना रहे हैं प्यार से कुक कर रहे हैं मेरे लिए, मैं सब इन्जॉय कर रही हूँ। गोविंद भी बहुत इन्जॉय कर रहा है, और अभी मेरा ना भांजा है जो बहुत शैतानी कर रहा है, सब लोग घर पे सो गए हैं, भाभी थोड़ी थकी हुई थी, भाभी भी सो गई हैं, गोविंद सो रहा है, मेरा छोटा भाई सो रहा है, भैया अभी कहीं काम से गए हुए हैं, और मम्मी और मैं जागे हुए थे तो सोचा चलो आपको मम्मी से भी इंट्रोड्यूस करा दूं। और ये नटखट बंदर बहुत शैतानी कर रहा है, कैमरा 2-3 बार गिरा चुका है, मुझे ये लास्ट पार्ट जो है 3-4 टेक्स में मैंने किया है इसको। तो चलिए, होप करती हूँ आपको ये मेरी फैमिली इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी, सब लोगों से आपको मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग कह ही रहे थे कि मैं सबसे मिलवाऊँ आपको, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं आपको अपनी क्लोजेस्ट फैमिली से मिलवाती हूँ और फिर मैं आपको बाकी अपनी फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से भी मिलवाऊँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, मैं आपके सभी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नमस्ते, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग में।